नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शाम स्टडी में। आज हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने विटामिन हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और हमने पार्ट वन में कवर किया था ए डी सी ई के, यानी कि विटामिन के पांच जो मेजर विटामिन हैं हमने पार्ट वन में कवर किया था। आई होप कि आप देखे होंगे। अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे B1 से लेकर B12 तक, और इनके साइंटिफिक नेम, इनके कॉमन नेम, व्हाट आर द रिच सोर्सेस, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से फलों वगैरह में पाया जाता है, और इनके डिफिशियंसी के कारण कौन से रोग होते हैं, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है दोस्तों, जल में ये घुलनशील है, तो इसको स्टोर आप नहीं कर सकते, यानी कि आपका बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकता। और हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, यानी कि विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक, इन सारे जो विटामिन हैं ये सब वाटर सॉल्युबल हैं, इसको याद रखें। तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है दोस्तों थायामिन, इसको याद रखें। और हम बात करेंगे सीरियल फ्रूट्स वगैरह में, तो ईस्ट, पोक, नट्स, वाइट राइस, वाइट फ्लोर, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है थायामिन। अगर हम बात करेंगे फ्रूट्स वगैरह की, तो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऑरेंज, एग्स, पटाटोज, कर्ली फ्लावर, यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों विटामिन B1। अगर हम बात करेंगे इसके डेफिशिएंसी के कारण कौन से रोग होते हैं, तो बेरी, लीग सिंड्रोम, यूरिन डिजीज वगैरह होता है थायामिन के डेफिशिएंसी के कारण। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और इसको दोस्तों डिस्कवर किया गया था 1897 को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। अगर हम बात करेंगे विटामिन B2 की, ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है, और इस विटामिन को आपका बॉडी स्टोर नहीं कर सकता बॉडी में। अगर हम बात करेंगे इसके साइंटिफिक नेम की, इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों राइबोफ्लाविन। क्या है? राइबोफ्लाविन है विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम। और ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है, कौन? विटामिन B2। और ये दोस्तों पाया जाता है ऑयस्टर, एग्स, सैल्मन फिश, लिवर वगैरह में पाया जाता है। और ये दोस्तों मशरूम्स, बीन, अवोकाडोज और राइस सनफ्लावर वगैरह में पाया जाता है। और इसके डेफिशिएंसी के कारण जो रोग होते हैं वो होता है प्री मैच्योर रिंकल्स पड़ जाता है आपके मुंह में, शरीर में, डल हेयर, डैंड्रफ वगैरह होता है, पोर डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, और लो ब्लड काउंट यानी कि RBC वगैरह घट जाता है B2 के डेफिशिएंसी के कारण। चले दोस्तों डिस्कशन करते हैं विटामिन B3 के बारे में। अगर हम बात करेंगे विटामिन B3 की, दोस्तों ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो जल में ये घुलनशील विटामिन है। अगर हम बात करेंगे इसके, ये एसेंशियल है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B3, जो कि दोस्तों पाया जाता है मीट, पोल्ट्री, टूना, सैल्मन फिशेस वगैरह में, और थोड़े कम मात्रा में पाया जाता है नट्स, लेगम्स एंड सीड्स वगैरह में। अगर हम बात करेंगे विटामिन B3 की साइंटिफिक नेम की, तो दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम होता है निकोटिनिक एसिड अथवा नियासिन। तो नियासिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3। अगर हम बात करेंगे इसके कारण से कौन से रोग होते हैं, देखिए दोस्तों फैटिग होता है, डेमेंशिया होता है, डायरिया वगैरह होता है, और मेन होता है पलेग्रा। क्या होता है? पलेग्रा डिजीज होता है, जो कि बहुत ही कष्टदायक रोग होता है, विटामिन B3 के कारण दोस्तों होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। तो ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है B5। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो B5 फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करता है, यानी कि फैटी एसिड जो होता है फैट बनाता है, तो फैटी एसिड को कौन मेटाबोलाइज करता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप लगाना विटामिन B5। और इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों पैंटोथेनिक एसिड। क्या है पैंटोथेनिक एसिड? इसको दोस्तों फाउंड किया गया था 1933 में। कब? 1933 को इसको फाउंड किया गया था। और ये दोस्तों पाया जाता है बीफ यानी कि कैटल के मीट में, अवोकाडो, मशरूम्स, नट्स, डेरी मिल्क वगैरह में पाया जाता है। तो दीज आर द रिच सोर्सेस। अगर हम बात करेंगे ये कौन से चीज़ें मेटाबोलाइज करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को, और इसके कारण से होता है पैरास्थेनियास, मसल आचेस, एनेमिया, इंसोमेनिया और फैटिग। तो B5 के डेफिशिएंसी के कारण ये सारे रोग होते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है,
और ये हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करता है, तो दिस इज़ हेल्पफुल इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो अगर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन, दोस्तों ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में, यानी कि एक जगह से एक जगह को ऑक्सीजन पहुंचाने में ये हेल्प करता है। और जो ब्लड का रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड कलर होता है। तो आई होप आप समझे होंगे इन सारी चीज़ों को, तो इन सारी चीज़ों को याद रखें जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे विटामिन B6, ये दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है पाइरीडॉक्सिन। क्या है पाइरीडॉक्सिन? और दोस्तों ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और ये दोस्तों पाया जाता है पोर्क, चिकन, फिश, पीनट, ओट्स और बनाना वगैरह में पाया जाता है। और इसके कारण होता है रोग जो डिफिशियंसी के कारण ग्लॉटिस, सिलोसिस, डिप्रेशन, सीजर्स वगैरह होता है। दोस्तों हमने दोस्तों अभी अभी बात किया विटामिन B6 के बारे में, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? पाइरीडॉक्सिन। और विटामिन B7 का दोस्तों साइंटिफिक नेम है बायोटिन। अगर हम बात करेंगे विटामिन B7 की, दोस्तों ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील है और ये दोस्तों मेटाबॉलिज्म वगैरह में हेल्प करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, फैटी एसिड और ग्लूकोज डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों बायोटिन की, ये पाया जाता है दोस्तों बीफ लिवर, यानी कि कैटल वगैरह के जो क्या होते हैं मीट होते हैं इसके लिवर, कुक्ड एग, सैल्मन, एवोकाडो, पोर्क, स्वीट पटाटो और नट्स और सीड्स वगैरह में दोस्तों पाया जाता है विटामिन B7 यानी कि बायोटिन। अगर हम बात करेंगे इसके डेफिशिएंसी की, इसका कारण से दोस्तों आपका बाल वगैरह झड़ता है, डिप्रेशन होता है, लेथार्जिक फीलिंग होता है, हेलोसिनेशन और अटैक्सिया और सीजर्स वगैरह होता है विटामिन B7 के डेफिशिएंसी के कारण। चलिए दोस्तों बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में, तो ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये दोस्तों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों, याद रखे काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, तो B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। और बीप, पीनट्स, सनफ्लावर सीड, होल ग्रेन्स, सी फूड्स वगैरह में पाया जाता है B9 यानी कि फॉलिक एसिड। और ये दोस्तों DNA, RNA और RBC वगैरह के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर हम बात करेंगे DNA की, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RBC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेड ब्लड कॉर्पस्किल्स, इसको याद रखें काफ़ी बार एग्जाम में इनका फुल फॉर्म पूछता है। और इसका डेफिशिएंसी के कारण, यानी कि फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी के कारण हार्ट डिजीज, डेमेंशिया, कैंसर, न्यूरोटिव डिफेक्ट्स और कंजक्टिव्स डिजीज़ वगैरह होता है। चलो दोस्तों बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में, ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है दोस्तों। ये RBC, नर्व्स और DNA वगैरह फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है कोबालामिन। क्या होता है? B12 का साइंटिफिक नेम होता है कोबालामिन। और ये दोस्तों पाया जाता है मीट, एग्स, पोल्ट्री, डायरी प्रोडक्ट्स और अदर फूड्स फ्रॉम एनिमल, यानी कि ये मेनली मीट और दूध के प्रोडक्ट्स और अंडे वगैरह में पाया जाता है। तो स्ट्रिक्ट जो वेजिटेरियन होते हैं और वेगन्स होते हैं जो कि मांस वगैरह नहीं खाते, इनको B12 के डेफिशिएंसी का बहुत ही बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि ये इन सारे चीज़ों को नहीं खाते। इसके कारण इनके शरीर में B12 का डेफिशिएंसी ज़्यादा होता है, तो इनके कारण से विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के कारण से एनेमिया, नमनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और मसल वीकनेस वगैरह होता है। तो आई होप आप समझे होंगे। हमने दोस्तों पढ़ा था पिछले वीडियो में कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, और हमने इस वीडियो में पढ़ा बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है, यानी कि विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि टोटल जो हमारे 13 विटामिन हैं उनमें से 9 विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं और 4 जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सॉल्युबल हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। तो टोटल 9 विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल हैं और 4 जो अदर विटामिन से वो सारे फैट में सॉल्युबल हैं। तो हमने इस वीडियो में दोस्तों पढ़ा B1 के बारे में, विटामिन B1 थायामिन के बारे में, B2 राइबोफ्लाविन के बारे में, B3 नियासिन के बारे में जिसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। हमने दोस्तों पढ़ा B6 के बारे में और B5 के बारे में, तो B5 का साइंटिफिक नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड और B6 का होता है
पाइरीडॉक्सिन, हमने पढ़ा दोस्तों B7 के बारे में, बायोटिन के बारे में, हमने दोस्तों पढ़ा B9 के बारे में, फॉलिक एसिड के बारे में, और हमने दोस्तों अंत में पढ़ा विटामिन B12 जिसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों फॉलिक एसिड के बारे में। आई होप इन सारी चीज़ों को आप समझे होंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखिए दोस्तों, इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आता है। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लिंक को क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है दोस्तों। और आने वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।